वनवासी कल्याण परिषद की नगर समिति महिलाओं द्वारा बनाए जा रहे मास्क, जिसे वनवासी अंचल के दूरस्थ गांवों में वैश्विक कोरोना जैसी महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में किए जाएंगे वितरण। नगर की महिला समिति के 11 सदस्य महिलाएं दिन रात अपने अन्य कार्यों को छोड़कर मास्क बनाने में जुटी। ये एक्चुअली हम सब महिला नगर महिला समिति के मन में मास्क बनाने का विचार तब आया, यहाँ सोशल मीडिया और न्यूज वगैरह देखने के बाद सब कुछ ना कुछ अपने मतलब जरूरतों लोगों को कुछ ना कुछ हेल्प कर रहे थे मदद। तो हमने विचार किया हमारी ओर से हम क्या कर सकते हैं, हम कोटरा नगर समिति की ओर से फिर विचार किया हमने ये मास्क बनाकर भी मदद कर सकते हैं और इसी से भी इस महामारी को मुक्त दिला सकते हैं। तो इस विचार को लेके हम लोग ने वनवासी कल्याण आश्रम के अपने नरेंद्र भाई साहब के सामने में प्रस्ताव रखी। हमारे पास मशीन नहीं है, हम विचार है मशीन हो तो अगर ये मास्क बना देते। फिर वनवासी कल्याण आश्रम ने पिछले शुक्रवार को मशीन दिलाया, तो तब से हम लोग ये मास्क बनाना शुरू किया और ये जारी रहेगा। कोविड-19 को हराना है हमको। वनवासी कल्याण परिषद की नगर समिति महिलाओं ने हमारे यहाँ कोरोना संक्रमित बीमारी को हटाने के लिए महिलाओं ने जो घर बैठे मास्क तैयार करे हैं, तो हमको भी जानकारी मिली है, वनवासी परिषद की तरफ से सहयोग मिला है। तो हम भी सब महिलाओं मिल के हम घर घर हम इस बीमारी को मुक्त कराने के लिए हमने प्रयास किया है। जो ये मास्क तैयार करके हम कोटरा नगर समिति जो गांव के अंदर जो दूरस्थ जो विभाग है, जो गांव में जो जानकारी नहीं मिलती है, जहाँ मास्क तैयार नहीं किए, जो जहाँ नहीं मिलते, ऐसे दूरस्थ विभागों में हम जहाँ पहुँच के हमारे वनवासी परिषद के जो पैसा है वहीं उनको हम देंगे और वहीं उनको ये जो मास्क तैयार करें उनको हम विस्तृत वितरण करेंगे और इस तरह से हम ये कोरोना संक्रमित हुए उनको हम मुक्त कराएंगे। ये हमारी प्रयास है किया है महिलाओं ने। महिला विकास ये जो नगर समिति बनी हुई है उसमें कितनी महिला नगर समिति जो बनी है महिलाओं की, इसमें 11 महिलाओं है और 11 महिलाओं ने मिलकर ये हमारे ये इस तरह से तैयार किया घर बैठे और इस तरह से मास्क तैयार करके हम गांवों के अंदर जाके हम ऐसे लोगों को देंगे जिनको इस बारे में जानकारी नहीं है और कोरोना-19 के इस तरह से हम उनको इस संक्रमित हो विभाग बचाने का हमने प्रयास किया है। हमने एक सेवा का माध्यम चालू किया है तो उसके लिए हम प्रयास करते हैं।